खरगोन जिले में पोस्ट ऑफिस में बचत जमा राशि में करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करके पुलिस ने दो लोगों को दबोच लिया, जिन्होंने घटना को अंजाम देना कबूल किया। दरअसल मामला उस समय संज्ञान में आया जब हितग्राहियों ने पोस्ट ऑफिस जाकर खाते को चेक कराया और पैसा न होने की दशा में पुलिस को सूचना दी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह के निर्देशन में टीम ने जगदीश काक को दबोचा और सघन पूछताछ में दूसरे व्यक्ति दीपेश भटोरे का नाम सामने आया। इस प्रकार पुलिस ने दो लोगों को पकड़ा और 5 से 6 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का खुलासा किया है। ये इसमें एक फरियादिया ने उर्मिला बाई ने आके रिपोर्ट किया था पुलिस थाने में कि उसका पति जो है वो गुमशुदा हो गया है और उसी के साथ साथ जो उसका पति था जगदीश काक उसके विरुद्ध एक दो दिन में कई लोगों ने आकर ये शिकायत की कि वो जो था वो बेसिकली पोस्ट ऑफिस में एजेंट का काम करता था और उनकी सेविंग की जो स्कीम्स थी उसमें पैसा ग्राहकों से लेकर जमा करता था। तो लोगों ने फरियादियों ने आके ये किया कि शिकायत की कि उसके विरुद्ध में कि उसने पैसा जमा किया लेकिन अब वापस मांगने पर दे नहीं रहा है। इसकी जब पुलिस ने जांच की तो पाया कि वह पासबुक और वो जो उसके पास थी फरियादियों के पास वो फर्जी थी। इसके आधार पर पुलिस ने एक मामला 420/467/77/71 के तहत दर्ज किया और उसकी तलाश जारी की। इसी तलाश में पुलिस ने उसको खरगोन से गिरफ्तार किया। पहले वो फरार हो गया था लेकिन फिर उसका पता लगाकर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की। उसके साथ साथ उसका जो एक साथी था दीपेश भटोरे जो इस मामले में मेन मास्टरमाइंड था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग पोस्ट ऑफिस में एजेंट के तौर पे काम करने से लोगों में इनकी विश्वसनीयता बनी थी जिसका फायदा उठाकर उन्होंने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया। अभी तक हमारे सामने करीब 20-25 फरियादी जो हैं वो आए हैं। कुल करीब 5 से 6 करोड़ ये पूरी घपलेबाजी का अभी तक हमारे सामने रिकॉर्ड आया है और जैसे जैसे इसमें जाँच कर रहे हैं तो आगे इसमें जो मशरूका है उसके बढ़ने की संभावना है। किस प्रकार सर ये जानकारी करते हैं? ये जो है फर्जी पासबुक बनाते थे। पासबुक में जो एंट्री होती थी तो जो पुरानी पासबुक होती थी जब वो क्लोज हो जाती थी तो उसके सामने के पन्ने फाड़कर उस पासबुक से दोबारा एक नए उसको हाथ से लिख के जारी कर देते थे और उसी के उसमें चढ़ाते रहते थे और वो पैसा बजाय पोस्ट ऑफिस में जमा करने के अपने खुद के पर्सनल उसमें डाल देते थे। तो ये पैसा ये ऐसे करके करीब पिछले 10-12-14 साल से ये अपने उसमें उपयोग में ला रहे थे और बजाय उसमें जमा करने के अपने पोस्ट ऑफिस में इस प्रकार से इन्होंने पूरा फर्जी पासबुकों के माध्यम से घपला किया। इसमें अभी हमारी जांच जारी है और संभावित है कि कुछ लोग और भी इसमें हो सकते हैं क्योंकि ये मामला काफ़ी समय से इस प्रकार का चल रहा था। पोस्ट ऑफिस में की ये पासबुक्स हैं जिनके माध्यम से ये हुआ है तो इसमें भी और भी जाँच जारी है और हो सकता है कि और आरोपी मोहन चांदोरे का नाम भी सामने आ रहा है। सर इसमें मोहन चांदोरे का नाम आया था उसको जो फरियादियों के ने शिकायत की थी उसके आधार पर आरोपी बनाया था लेकिन जब हम लोगों ने मुख्य आरोपियों को पकड़ा उनसे पूछताछ की गई है तो अभी तक उसकी संलिप्तता के अभी इसमें कोई साक्ष्य नहीं है। खरगोन से यूडी न्यूज के लिए सलाम अंसारी की रिपोर्ट।